24 सर्जरी के बाद बांग्लादेश ट्रीमैन रिलैप्सेस। 27 वर्षीय अबुल बाजिंदर ने ढाका अस्पताल में कहा, मुझे कोई और सर्जरी नहीं होने का डर है, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ और पैर फिर से ठीक हो जाएंगे। एक साल पहले एक बांग्लादेशी रिक्शा चालक ने चाल की तरह वृहद विकास के लिए वृक्षादमी करार दिया था, जो एक बार अपने शरीर को कवर करते थे एक दुर्लभ स्थिति से पूरी तरह से वसूली कर चुके थे, जिसने उन्हें एक दशक तक पीड़ित किया था। लेकिन 12 महीनों में डॉक्टरों ने उन्हें घोषित कर दिया, लेकिन 24 शल्य चिकित्सा के बाद ठीक हो गया। बाजांदर के हाथ एक बार फिर से विकास में शामिल हो गए, जो कि उनकी दुर्लभ स्थिति को चिन्हित करते हैं। सर्जन सेंटा लाल सेन, जिन्होंने पिछले साल चिकित्सा के इतिहास में एक मील का पत्थर के रूप में अपने इलाज की सराहना की, अब मानते हैं कि बाजिंदर के मामले पहले विचार से अधिक जटिल हो सकता है। उनका मरीज, जो साल के लिए काम करने में असमर्थ रहा है और जिसका परिवार अस्पताल में रहता है, उनका कहना है कि उन्हें डर है कि वह कभी भी ठीक नहीं होगा। 27 वर्षीय ने ढाका अस्पताल में AFP को बताया, मुझे कोई और सर्जरी नहीं होने का डर है, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ और पैर फिर से ठीक हो जाएंगे। बाजिंदर एपिडर्मोडिस्प्लासिया वर्सिफोर्मिस से ग्रस्त है, एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति जिसे वृक्षमानव रोग कहा जाता है। उनकी हालत से पता चला, ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मुफ्त में इलाज किया। शल्य चिकित्सक ने अपने हाथों और पैरों से 5 किलो 11 पाउंड से अधिक विकास को हटा दिया। वह वहां से अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहे हैं, जो अस्पताल के एक छोटे से कमरे में एक साथ रहते हैं। हमने सोचा था कि हमने इलाज हासिल किया है, लेकिन अब यह समय लेने वाला मामला है, सर्जन सेन ने बताया। हम अंतिम सफलता तक पहुंचने की जांच करते रहेंगे, हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह कितना समय लगेगा। इस हफ्ते बाघेंद्र ने अपने हाथों से कुछ विकास को हटाने के लिए अपनी 25वीं शस्त्रक्रिया की। उनकी पत्नी हलमा खतून के लिए जीवन अपने पति को रखती है और उनकी 4 साल की बेटी की देखभाल करता है। खतून ने कहा, हम शुल्क उपचार के लिए आभारी हैं, हम इसके लिए भुगतान नहीं कर पाए हैं। सेन के मुताबिक दुनिया भर में आधा दर्जन से कम लोगों में एपिडर्मोडिस्प्लासिया वर्सिफोर्मिस है। पिछले साल ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने एक बांग्लादेशी लड़की की हालत से पीड़ित इलाज किया। डॉक्टरों ने सफलता को सफलता से हटाने के लिए सर्जरी की घोषणा की, लेकिन उसके पिता ने बाद में कहा कि वे भी बड़ी संख्या में वापस हो गए हैं। उसने उपचार से उसे वापस ले लिया और कहा कि वह अस्पताल वार्ड में उसे बड़ा नहीं देखना चाहता था। प्लास्टिक शल्य चिकित्सा इकाई में काम कर रहे एक नर्स ने कहा, किसी को हमेशा के लिए एक अस्पताल में होना चाहिए। दुर्भाग्य से वह बाजिंदर को थोड़ी देर के लिए यहाँ रहना पड़ सकता है। इस बीच बाजिंदर को पैसे की चिंता है और वह अपनी बेटी की शिक्षा के लिए कैसे भुगतान करेगा। वह इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उन्होंने कहा, मैं हमेशा उसे डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अगर मेरी स्थिति खराब हो जाती है तो मैं उसे पूर्व विद्यालय में कैसे भेज सकता हूँ, अकेले एक मेडिकल कॉलेज छोड़ूं।